बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन अब्रारुल हक, आपको दर्जा शरारत की सारी टीम के साथ अपने प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहता है। उम्मीद है कि आप रमज़ानुल मुबारक की बरकतें समेट रहे होंगे, अल्लाह ताला आसानियां पैदा फरमाए। नाज़रीन, गदागरी हमारे मुआशरे का एक इंतहाई शर्मनाक पहलू है। इंसान जब हालात से मजबूर हो जाता है तो किसी ना किसी से मदद मांग ही लेता है, लेकिन यहाँ तो मांगना एक प्रोफेशन बन चुका है और उसका दायरा खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। जैसे ही रमजान मुबारक का बाबरकत महीना शुरू होता है, पता नहीं भिखारी किस किस बिल से निकल के सामने आ जाते हैं और अक्सर तो बिल बिलाने पर मजबूर कर देते हैं इंसान को। रमजान के महीने में नई हल्का बंदियों के लिए भिखारियों के अंडरवर्ल्ड माफिया ने ऑल भिखारीज कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया है। आइए देखते हैं कि वहां क्या बहस जारी है। ओवर टू ऑल भिखारीज कॉन्फ्रेंस। मैं क्या फेरू बाबा जी, हम सब आपसे ये पूछना चाहते हैं जी कि आपने हम सबको यहाँ पर किस लिए इकट्ठा किया जी? मैंने तुम्हें यहाँ मीटिंग के लिए बुलाया है, कोई अफ्तारी पे नहीं बुलाया। अगर अफ्तारी नहीं है तो ये समोसा इधर क्या कर रहा है जी? उसको समोसा कहोगे, उसको पकौड़ा कहोगे, इसको पोपट कहोगे, तुम करोगे क्या यहाँ पे? अब अब्बा फेरू क्या चबला मार रहा है? जो भी बात करनी है जल्दी करो, मैंने नाइट पे भी जाना है आज। वेल डन, शाबाश शाबाश। मैंने ये जो इमरजेंसी मीटिंग कॉल की है, इसका मकसद है कि रमजान शरीफ के महीने में लोगों की सखावत के जज्बे से फायदा उठाया जाए। आप सखावत की बात कर रहे हैं जी? हम तो उनसे भी किरायत ले लेते हैं जो अपनी माँ के हाथ पे पूरी तनख्वाह नहीं रखते। बाबा जी, मेरी तो सलाह भी नहीं होती, लोग मुझे सदका दे जाते हैं। इसके साथ बड़ी ज्यादती होती है जी। क्या? पिछले दिनों एक बंदा ने इसको देसी कुकड़ सदके में दे गया। फिर ये चौक में उसके साथ लड़ता रहा जी। क्यों? ये कुकड़ को कहता मैंने तुझे लेके जाना, मुर्गा कहता नहीं मैंने तुझे लेके जाना। झूठ बोलता है बाबा जी, मेरे सौरे से पूछ लो कभी मैं इनके घर कुकर के ऊपर बैठ के आया हूँ। बाबा फेरू, आपका सर ऐसे जैसे मंजी का सेरू। हम तो उनसे भी सदका ले लेते हैं जिन्होंने घर में कभी खर्चा नहीं दिया। हम तो उनसे भी ज़कात ले लेते हैं जो खुद ज़कात के मुस्तहिक होते हैं। बाबा जी, मेरे 250-300 वर्कर हैं कराची में, मैंने उनको ऐसे तरले सिखाए हैं कि अगर किसी के पास पैसे ना हो वो अपने घर की चीजें दे देती। वो तो दे देते, आप खुद क्या करते हैं जी, अपना भी बताएं जी। जी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगले मुंह देख के दे देते हैं जी। लानत। मुझे तो लोग फितराना भी ऐसे देते हैं जैसे नजराना दे रहे हैं। अरे तू तो बात ही ना कर, तू कौन सा मेरिट पे आई है इधर? एक मखसूस निशिस्त की भिकारन और हमसे मुकाबले हैं। बाबा फेरू, ये दोनों मुझे केरू। मेरा मतलब बाबा केरू, ये दोनों मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मेरे अजीज, हम मंग तो छोटा सा सीजन होता है और वो भी तुम लड़ाई और रंजिशों में जाया कर रहे हो। ये तो मासूम भोली भाली है, इसको कुछ ना कहा करो, ये तो हमारे इस डेरे की रौनक है। ये डेरे की रौनक है तो इनके मुंह पे लाशें बंधी हुई है, यही तो रौनक है जी। वैसे बाबा जी, हमने भी नोट किया है कि आप इस पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। तुम बाबे पे शक करते हो? नहीं, हमें यकीन है। फनियर फनियर बना फिरता है ना, फनियर रखा है, मुंह इसका डड्डू खाने वाले सांप जैसा। अरे वो सांप नहीं है जो डड्डू खावे, ये तो वो सांप है जो मट्टी खा के शुक्र अदा करता है। इधर जलास करके बैठा, ये खप खाना खत्म नहीं होगा, अपना जलास शुरू करो। बूठे क्या ख्याल है, तुम्हारे दोनों बाजू कटवा ना दिए जाए?
रतन क्या कह रहा बाबा के मैं स्लीवलेस पहनूं? मैं कमीज की नहीं तुम्हारे बाजुओं की बात कर रहा हूँ। वैसे दोनों बाजू अगर तुम्हारे कट जाए ना तुम्हें स्वेटर बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा जी मैं ऐदा पे हुए। इस तरह तुम्हारी इनकम में भी इजाफा होगा, पेरेंट्स की भी मदद करोगे और ओवर टाइम से भी बच जाओगे और लोगों को सलाम करने से भी बच जाओगे। लड़का क्या कह रहा है, नैसों वाली बातें सबने शुरू कर दी, शर्म नहीं आती तुझे? और मेरे बाजू कट गए तो कल को मुझे खारस होगी तो फिर कैसे करूंगा? बाबा जी अगर इसके बाजू कटवाने हैं ना तो इसकी शादी मेरे साथ करवा देना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा बंदा हो जो मुझ पे हाथ ना उठाए बस। ओ जी ले जी बाबा फेरू। मेरी तरफ देखो, क्या ख्याल है तुम्हारी एक टांग काट ना दी जाए? क्यों बुरी लग रही है? रहन दे लत कटवाण, लत कड़ा गवांडियां दे बूए के उग पई। क्यों लात कटवा रहा है? उसकी लात के कौन से दो मुंह निकल आए हैं? वैसे लात ना कटवाना किसी टाइम इन्ना रल के डांस दी चुट्टी लानी पै जांदी है। रहने दे मेरी टांग ना कटे, मैं ऐसे ही अपना टारगेट पूरा कर लूंगा। अब आते हैं हम अहम फैसलों की तरफ। हमने फैसला किया है कि रमजान के महीने की आमदन बढ़ाने के लिए तुम्हारे तबादले किए जाएं। क्या मतलब बाबा जी? वो तुम्हें तबादलों के मतलब का नहीं पता? कैसे जाहिल आदमी हो तुम? ओ मरे हो मक्खियां को चपेड़ा खाने ले सपा। तो पढ़े लिखे होते तो इसी काम में होते मरे तू। शट अप, इस काम को हल्का मत लो। बड़े बड़े पढ़े लिखे भी असेंबलियों में जाकर यही काम करते हैं। अरे असेंबली वाले के पीछे क्यों पड़ गया बाबा जी? असल मुद्दे की बात करो। सीजन छोटा है, टारगेट बहुत बड़ा है। ठीक है, तो पहला फैसला हमने ये किया है कि हमारा ये सीधा जो है शमाली छावनी का सारा इलाका कवर करेगा और जनूबी छावनी का इलाका हमारा ये चीता बूटा कवर करेगा। हाँ, तो नाम से चांदपुरी और शक्ल से कोलापुरी, तुम लांडी से कुरंगी तक का इलाका साफ करोगे। नहीं मतलब कवर करोगे। कवर करोगे और अपने वर्कर्स को वहां मांगने के लिए डिप्यूट करोगे। तो फिर हम दोनों क्या करेंगे? मेरा ख्याल है हमें 3 माह की छुट्टी है। इरम शहजादी जी, इछरा से ठोकर तक का इलाका कवर करोगे। वैसे भी मैंने बहुत सूटेबल है। इछरे से लेकर ठोकर तक का इलाका ना वो तुम खराब करोगी। और तुम शादरा से गज्जू बत्ते तक का इलाका कवर करोगे। तुसी फिर मेरा नाम मेट्रो ही रख दियो। अच्छा जब मेट्रो रख दियो, लखां दे पिलर ही तेरे थले लग जाए। बाद में कहोगे मेरी खाला का नाम ऑरेंज ट्रेन रख दे। बाबा फिर जी मेरा ट्रांसफर किधर कर रहे हैं आप? डोंट वरी लिबर्टी का सारा इलाका तुम्हारा। मैं क्या बाबा जी तुसी इधर गल करो ना जरा एक मिनट। केड़े काम फड़े तुसी चंगे चंगे इलाके जेडे उन्हां नूं देई जांदे ते जेडे ठुड्डे ते तबके खाण वाले इलाके सानू देई जांदे आ। मेरी गल सुन लो, मैं लिबर्टी का इलाका बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी होर का कब्जा उत्थे होवे है। मेरा ख्याल है बाबा जी ये कंपनी नहीं चलेगी। बह जा एडा छोटा शकील है। वैसे बाबा जी ये जाती है, एक सीनियर बंदे से उसका इलाका नहीं छीनना चाहिए। और बंदा भी वो जिसकी ज्यादा कलेक्शन है जी। ऐसे बंदे नु तो वजीरे खजाना ही होना चाहिए। ओहो भाई आप तो यूं ही नाराज हो गए। मैं ये चाहता हूँ कि जो डेड एरियाज हैं जहाँ इनकम नहीं है वहाँ सीनियर बैगर्स को लगाया जाए और जो चले हुए इलाके हैं वहाँ जूनियर चले गए ताकि कमाई का बैलेंस कायम हो जाए। ये बिल्कुल जियाती है जी, कबीना इस बात को नहीं मानती। कबीना के अलावा मैं नहीं मानता। और चुप कर जाते हैं कौन सा वजीरे खाला है। नहीं वैसे ये भी ज्यादती है बाबा जी, वाकई वो सही कह रहा है। इसको क्यों लिबर्टी का इलाका दे? हम ये नहीं मानते। हम नहीं मानते। मुझे पता था कि तुम शोर करोगे, इसलिए मैंने सबके नाम की पर्चियां लिखकर इसमें डाल रखी हैं। इसलिए जी बड़े बड़े होते हैं आप खानदानी मांगे थे जी आपको। हलालो थोड़ा सा सीधे हलाले थोड़ा सा मीठा नीचे बैठ जाता है। चुको जी अपना जड़ी पर्ची कहने। देखते हैं किस खुश किस्मत का नाम मैं आता। खोलूंगा बाबा जी मुझको पकड़ा दे। अरे क्या हुआ? मेरा निगाहें गलाम निकले। अब तो सबको ये फैसला कबूल हो गया। कबूल हम उठाए
आओ हम तुम्हें खुद लिबर्टी छोड़ कर आए। देखो हमारी पर्ची इतनी कितनी, हमारा नाम किधर रह गया? दूसरी पर्ची तो देखो किसके नाम लिखा है, ये देखो पता करो, इसके भी निगाह है, ये भी निगाह है। मैं तो अपना भतीजा कैचअप ला के आया, मुन्नी जमने भतीजे का भी रोजा सी, इन्हें तो डबल हो गया। ऐ जवाब साहब की रोजे च बड़ी इज्जत होंगी है। शुक्रिया। सैरी टाइम पीपा बजा दें। सबर तो करना ही चाहिए। यह अभी मैं तुम्हें फैंटी लगाऊंगा, सबर करना। वेलकम 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 बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, रोज़ा सिर्फ एक बदनी इबादत ही नहीं है बल्कि इसका मकसद हमारी इखलाक की तरबियत है। यह हमें सच बोलने की आदत डालता है, यह हमें बेहुदा गोई से रोकता है, यह हमें गीबत और चुगल खोरी से रोकता है, और सबसे बढ़कर ये कि रोज़ा हमें सब्र और तहम्मुल का आदि बनाता है, हम में बर्दाश्त का मादा पैदा करता है। ये एक बहुत अच्छी बात है। रमज़ानुल मुबारक में हर किसी की कोशिश होती है कि वो तमाम रोज़े रखे, लेकिन जब कोई रोज़े की हालत में बर्दाश्त का दामन छोड़ दे तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात होती है, क्योंकि अदम बर्दाश्त से रोज़े का मकसद और उसका तकद्दस जाता रहता है। जी इब्रार भाई, ठीक कहा आपने। चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। इब्रार भाई, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनके अपने बच्चे अफतारी से पहले उनके सामने नहीं आते कि अब्बा खा ना जाए। गुस्से में इतना होता है वो। है तो अपना भतीजा कैचअप ला खा गया, मुन्नी रमजान में खा गए। भतीजे का भी रोजा सी, इन्हें तो डबल हो गया। और तो और, जब तक अफतारी हो नहीं जाती बच्चों की शामत आई रहती है। किसी की क्या बात करनी जी, ये अपने जवाज साहब के बच्चे तो इनके सामने ही नहीं आते, इतने गुस्से में होते हैं ये। नहीं भाई, बच्चों का रोजा होता है और ये हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। अगर रमजान ना होता तो मैं आपको अदब से कहता फिटे मुंह। सखावत साहब ने पूछा, मैं रोजा क्यों नहीं रखता? कहता ढाई मरले का मकान, बच्चे रखा के रोजे रखा। इन्हू मैं क्या, मैं तू रोजे क्यों नहीं रखता? कहता पिछले साल मैं रखने की कोशिश की थी, मेरे को रहिंदा ही नहीं। इन्होंने एक दफा रोजा रखा। अच्छा। बार बार पूछे हमारी बहन से, सूरज डूबा के नहीं? वो कहे नहीं, सूरज डूबा के नहीं, नहीं। आखिर कहते हैं ये कहे ना कहे नू लाके डूबेगा। इब्रार भी, पिछले रमजान में इनको बहुत मार पड़ी जनाब। अच्छा, क्यों? सारी वेले समोसे ला ले सर। वाकई? नहीं, बस वो तो लड़ाई हुई थी। लेकिन ज्यादा मैंने मारा था। ऐ जवाब साहब की रोजिया च बड़ी इज्जत होंगी है। शुक्रिया। सैरी टाइम पीपा बजा दें। अगर मर गए बंदे भी किसी की अफतारी से दो खजूर अपनी रख के उन्हें 35 समोसे खा जाने। ए अपना पांजा मस्जिद च रोजा खोलन गया, उन्होंने खोलन ही नहीं दिता, ए टूटी खोल के दौड़ गया। अच्छा, इसीलिए इसने मुझे एक दिन शेर सुनाया था। क्या? पहला मिसरा सुनकर तो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। मैंने कहा बड़ा नेक आदमी है जी। कहते अबरार साहब, मैंने कहा, कहते रात का वक्त है और है मस्जिद भी करीब। मैंने कहा वाह, रात का वक्त है और है मस्जिद भी करीब, आपके वास्ते पैगाम अमल लाया हूँ। मैंने कहा लो भाई, ये शब्बेदारी की बात करने वाला है। वाह वाह वाह। कहता है रात का वक्त है और है मस्जिद भी करीब, आपके वास्ते पैगाम अमल लाया हूँ। घर में जितने हैं पुराने जूते आप जाके बदल लाए, मैं बदल लाया। मस्जिद के गले जो तीले ना पैसे कड़न दे, कहो पैसे कड़न दे, कहते नहीं मैं 500 पाया, बकाया कड़न दे। और अकरम नु भी सारी वेले मार पे। वो क्यों भाई? स्पीकर खोल के कहता हजरात रोजे का टाइम मुक गया, मैं तुम्हें अपने लो 5 मिनट देना। अबे इब्रार भैया, अबे रोजे में मेरा सब्र देखने वाला होता है। वैसे आप उसके अलावा भी देखने वाले ही हैं। इस मामले में मेरे घर वाले मुझसे बहुत ज्यादा खुश हैं। वो क्यों? वो जी एक खजूर ना 8 रोजे खोल लेना। वो मुझे होश ही रोजा खुलने के बाद आती है। वैसे ये झूठ बोलते हैं। क्यों जी? इनको होश रमजान खत्म होने के बाद आती है। इतना हो जाता चन्न वेख के बेहोश हो जाता, ईद वाले दिन होश करता जान के। वैसे हद नहीं होगी, इतना इतना खा के भी आप लोगों की ये हालत होती है? हम लड़कियां भी तो हैं, सिर्फ आधी रोटी खाती हैं शहरी में और सारा दिन हम काम भी करते हैं। अरुबा वाकई आधी रोटी खाती हैं, अलबत्ता दही 1 किलो पी जाती हैं। अच्छा यार, हम लोग रोजे में सब्र और तहम्मुल के बारे में बात कर रहे थे, तो घर में तो बंदे का पारा ऊपर नीचे होता ही रहता है। अलबत्ता वो लोग बहुत गलत करते हैं
जो दफातर में, मार्केट्स में या सड़क पे जाते हुए बर्दाश्त का दामन छोड़ जाते हैं। और डॉक्टर साहब, इस हवाले से मैं ये भी, जिनमें कई लोग होते हैं ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, जो आम दिनों में तो मेडिसिन खाते हैं और फिर दफ्तर चले जाते हैं, उनका दिन भी अच्छा गुजरता है, और बल्कि उनसे ज़्यादा अच्छा दिन उनके साथ मुलाजमीन का गुजरता है, लेकिन रोज़ों में चूँकि वो दवाई नहीं खा सकते तो वो पारा चढ़ता है उनका और गुस्सा, और फिर वो शुगर लेवल का डाउन होना और वैसा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, गर्मी हो या रोजे हो, इन दोनों सूरतों में इंसान का टॉलरेंस लेवल नीचे आ ही जाता है, और खास तौर पर अगर ये दोनों चीजें इकट्ठी हो जाएं, यानी गर्मी में रोजे आ जाएं, तो फिर तो ये बात दो अच्छा हो गई ना। डॉक्टर साहब आपको मुबारक हो, तुहाडी बतक तुहाडियां गल्लां समझण लग पई। अरे कमबख्त मनहूस मारे, वहां बैठे रहो, एक जीनियस लोगों को क्यों छेड़ रहे हो तुम? ओ तू हम ही टेंज भर रहे जिवें बांदर ट्यूशन पढ़न रहे है। तो मैं ये कह रहा था कि टॉलरेंस लेवल जब नीचे आता है तो मामूली सी बात झगड़े की सूरत इख्तियार कर लेती है, और ये वाकयात अमूमन रोड्स पे, सड़कों पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। पीछे हट नहीं रहा, हॉर्न दे रहा है सारा वो मामला, सड़कों पे लड़ाइयां, और बिलखसूस आखिरी अशरे के अंदर तो बेशुमार लड़ाइयां देखने में आती है। और मैं समझता हूँ रोजे का असल इम्तहान वहीं पे शुरू होता है कि किस तरह आप अपने आप को रोक के कंट्रोल करते हैं, क्योंकि रोजा सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं है। क्योंकि ऐसे वाकयात ज्यादातर रोड्स पे ही पेश आते हैं, इसलिए आज हमने एक ट्रैफिक वार्डन को अपने प्रोग्राम में दावत दी है, उनसे पूछते हैं कि आया ऐसे वाकयात क्यों पेश आते हैं। तशरीफ लाते हैं हनीफ वार्डन साहब। ठीक है हनीफ साहब, बस आपकी एफिशिएंसी देख ली है, कैसे हैं सर? उम्मीद है आपके अफसराने बाला ने भी देख ली होगी, तशरीफ रखिए। जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ए वार्डन लग गया, तुम इसे जानते हो? हाँ, बहुत साल पहले मैं इसका फैन हुआ करता था। क्यों, के एक्टिंग वैक्टिंग तो नहीं करते थे? नहीं नहीं, मौत के कुएं में नाचता था, और वैसे इतना कारीगर था नाचने में, गाना नहीं भी चल रहा होता तो अंदाजे से नाच रहा होता था। अच्छा छोड़ें जी, ये तो आपके साथ चलें हंसी मजाक कर रहे हैं, आप ये बताएं कि रोजे की हालत में लोग रोड पे जाते हुए इतने हाइपर क्यों हो जाते हैं? मैनू पूछन दे, मैं माहिर नफ्सियात हूं जनाब। ओहो, आप वहाँ ड्यूटी करते हैं, लोगों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वहाँ खड़े, तो आपको तो पता होगा ना, माहिर नफ्सियात से तो ज्यादा अच्छा आपका एक्सपीरियंस होता है वहाँ पे खड़े होने का। असल में लोगों की कोशिश होती है कि वो अपने आप को मसरूफ कर लें ताकि थोड़ा सा वक्त गुजर सके, इसीलिए वो झगड़ा करने लग जाते हैं। जवाब साहब को भी बड़ी आदत थी मसरूफ रहने की। अच्छा, कुछ नहीं मिलता तो मसरूफ रहने के लिए अपने वाल पुटते होंगे सन। लगता है काफी मसरूफ वक्त गुजारा है आपने। जी अब मसरूफियत ऐसी बढ़ी कि फिर बिल्कुल फरागत हो। इब्रार भाई मैं आपको समझाता हूँ, हर इंसान की जिंदगी कैसे गुजरती है? कैसे गुजरती है? बीवी से लड़ते झगड़ते। हाँ वैसे इब्रार भाई लॉजिक तो बुरी नहीं है इसकी। तो और क्या, बीवी से झगड़ा ना होता हो बंदे का तो वक्त ही ना गुजरे। हाँ झगड़ा ना हो तो बंदा कभी सो जाए, कभी उठ जाए, कभी गली में जाके बैठ जाए, चाय वाले को झाड़ा खावे, गोल गप्पे वाले को सोटियां खावे, टाइम ही नहीं से लंघना। अगर बीबी के साथ लड़ाई ना हो तो बंदा सारा दिन पौधों को पानी लगाता रहता है। सही गल है, जड़े बीवियां नाल नहीं लड़ते उन्होंने भी कुछ जिंदगी है। कभी वॉशिंग मशीन ला ली, कभी बर्तन धो ले, फिर भी वक्त नहीं लंघता तो उठ के कपड़े इस्त्री करने लग पे। असल में इब्रार साहब, जिस बंदे ने रोजा रखा होता है उसको मुस्कुराता हुआ हर बंदा चुभता है, उसे ये लग रहा होता है कि मेरी इस हालत का जिम्मेदार यही बंदा है। यार बड़ी साइंटिफिक बात की है डॉक्टर साहब इसने। इब्रार भाई, इतनी गर्मी हो, ऊपर से रोजा हो, और बंदा बाइक पे बैठा हो, एसी वाली गाड़ी में बैठा हुआ बंदा उसे जहर ही लगता है। ये तो है डॉक्टर। और थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो तो लड़ाई शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही, बात अंडरस्टैंडेबल है वैसे इनकी। जी बिल्कुल, इन्होंने तो अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक वजूहात बयान कर दी है, लेकिन ये बात अपनी जगह बाहर कैफ दुरुस्त है कि रोजे की हालत में इंसान को बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए। सबर करना जरूरी है इब्रार भाई, ये भांजे को रोजा खुलने से 10 मिनट पहले मार पड़ी। क्यों? ये दूध सोडे ना अपनी बनायन धोन लग पे। सबर तो करना ही चाहिए। यह अभी मैं तुम्हें फेंटी लगाऊंगा, सबर करना। और एक और अहम बात यह भी है कि आमतौर पर जब रोड्स पे झगड़े होते हैं तो उसकी वजह यह होती है कि हर शख्स जल्दी में होता है। हम अपनी जल्दी को तो देख लेते हैं, किसी दूसरे को हम समझना गवारा ही नहीं करते। अच्छा ऐसे क्यों होता है कि ज्यादातर लड़ाई झगड़े इफ्तारी से थोड़ी देर पहले ही होते हैं? ऐस बच्ची दा ना, कल रोड दे उत्ते रोजा खुल गया, मैं इनू शरबत दा गिलास दिता, पीने दी बजाय नक फड़क विच टूबी लाती है। निकली नहीं ते है। मैं समझता हूँ आपकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेटली उस वक्त तक शुगर लेवल इंसान का बहुत ही नीचे जा चुका होता है, और जिसे कहते हैं ना सब्र के पैमाने लबरेज हो रहे हैं। जी इब्रार भाई, ये तो मैंने भी कई बार नोट किया है भाई। जाहिर है जब हर तरफ से
पकौड़ों और समोसों की महक आ रही हो, आदमी आपके से बाहर हो ही जाता है। आए हाय, और कहीं से बिरयानी की महक आ जाए तो बंदा अच्छे बुरे की तमीज भूल जाता है। और जब कीमे वाली कचोरियों पे नजर पड़ जाए तो फिर बंदा किसी अंजाम की परवाह नहीं करता। किसी घर से भी कोरमे की खुशबू आ जाए ना, इसके अंदर का आतंकवादी जाग पड़ता है। हाय बादामों वाले शरबत मेरा ख्याल है दुख बढ़ गया, दरिया विशाल हो। जे विच छोटी लाची पाई होवे बिरयानी दे विच, बोल नहीं छोटी है लाची है। दूध सोडा हो ठंडा बाबा, ठंडा हो और तुम डूब के मर जाओ उसमें, ऐसी मिठी मौत सब नू आवे। ओए यार, इस तरह के खानों के बारे में सोचोगे तो फिर झगड़े ही होंगे ना लोगों के। नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। इतने लंबे बाल आप परांदा क्यों नहीं डालते? महंगाई ने सानू इंज दा डंगिया, बच्चे साढ़े वटे रह गए। बच्चे साढ़े वटे रह गए, कुर्ते विक गए, कच्छे रह गए। ना काट ओ बंदे को पुत मार, छोड़ छोड़ दे। इनके बाल अच्छे से काटना यहां से। वेलकम 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 बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, अदम बर्दाश्त की फिजा तब कायम होती है जब लोग छोटी छोटी बात को अना का मसला बना लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जब एक इंसान के साथ कोई ज्यादती या नाइंसाफी हो जाए तो उसके लिए बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर इंसान उस लम्हे सब्र और बुर्दबारी का दामन थाम ले तो बहुत सी मुसीबतों से बच जाता है। क्या ख्याल है डॉक्टर साहब? दुनिया में बुर्दबारी की आला तरीन और अजीम तरीन मिसालें हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की हैं, और बहैसियत उम्मती हम पर फर्ज है कि उन पर अमल पैरा हों। अब देखिए, कॉमन प्रैक्टिस है कि अगर हम गली से जा रहे हों और कोई हम पर पानी का ग्लास फेंक दे, हमें बड़ा बुरा लगेगा। एक दिन बर्दाश्त कर जाएंगे, दूसरे दिन अगर यही अमल होगा हमारी बर्दाश्त जवाब देने लगेगी, तीसरे रोज हमारी जबान से जो कलमात निकलेंगे वो अच्छे नहीं होंगे और कुजा पानी नहीं उसकी जगह कूड़ा हो। और देखिए कि जिस रोज कूड़ा नहीं फेंका जाता उस रोज उस बुढ़िया की खबरगिरी के लिए चले जाते हैं। ये है बुर्दबारी की आला तरीन मिसाल, अखलाक का आला तरीन मयार। जी ब्रार भाई, चिड़ी बेचारी की करे थे, ठंडा पानी पी मरे, है तो अपने मुंह से मियां मिठू बनने वाली बात। लेकिन ब्रार भाई, मैंने आज तक किसी की बदतमीजी का जवाब नहीं दिया। अरे माशाल्लाह, इतना सबर है तुम में? नहीं नहीं, हिम्मत नहीं है गल करने की। भाई मुझ में खामी है, मुझसे तो गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आप झगड़ा करते हैं? फिर मैं टक्कर मारता हूँ। और मेरे साथ तो कोई उच्ची नीवी बात भी नहीं कर सकता, उन्होंने पता साढ़े सिर ना पै जाए। तुरदी फिरदी केस पई लगदी है 302 पई। तो आपसे क्यों नहीं बर्दाश्त होता जी? भाई मेरी जबान ही इतनी काली है। ओ, सिर्फ जबान नहीं, आपका दिल और करतूत भी। अच्छा जी, हमारे पड़ोस में एक हुजाम ने दुकान डाल ली है और चूंकि वो हमारे पड़ोसी हैं तो उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। क्यों जनाब, कैसे मिजाज हैं? शुक्र है जी, आ जाए, कोई कटिंग शटिंग करवा लें। ये कैसी दावत है? उनकी बाद में करना, ये ध्यान से काटो, जरा सी आपने गलत कटिंग कर दी ना फिर इनका रिश्ता नहीं होगा। तो हैरानगी वाली गल है, बंदा गंजा बैठा तो वाल एडी दूर आ कटन डे जिवें नैयर सुल्ताना दे कटन डे। भाई साहब, आप तो बातों में लग गए, मेरे बेटे की कटिंग कर दो जल्दी जल्दी। बाजी, आपको नजर नहीं आ रहा कि ये गाहक बैठा हुआ है, इसकी कटिंग होगी आपके बेटे की फिर बारी आएगी। क्या तकलीफ क्या है आपको? हाय इतने लंबे बाल, आप परांदा क्यों नहीं डालते? परांदा नहीं डाल सकते ना, लंबा हो जाएगा फिर परांदा पांव में आएगा। अरे मियां, जितने लंबे तुम्हारे बाल हैं आपको तो महीने का 5,000 का शैंपू लगता होगा। माशाल्लाह, तुसी टेंड कराई है ना? बाजी देखें, आप जो पहले बैठे हैं पहले उनकी बारी है। मैं क्या जी, ये आपका बेटा है? न हो रहा वाटर कूलर है। ए बहनी, इसको कुछ खिलाती पिलाती नहीं? क्यों, बिजली के बोहरान की तरह एक ही जगह ठहर गया है? नहीं, वो असल में ना इसे आयरन की कमी है। तुसी ना इन दूध च ना किल काबले पे होके खुआओ।
जिन्नी नु आयरन दी कमी ने नु देगी लोया खवाओ या थोड़ी ते वेसन लागे दे अगे रखो तुसी मेरी मन्नो जी लोहे दे फीडर च नु स्क्रैप पा के पियाओ नहीं मेरी मन्नो लोहे दा ताला चूसिया करे मेरी मन्नो इनु लोहे वाली भट्ठी जी सुट दियो जो इन्ना लोया खवान तो बाद इनु मकना तीस तो दूर रखना मतलब तुहाडा बेटा चमड़ जाए अच्छा यहाँ मुझे याद आया अपने दोस्त वो सईद इकबाल सादी उनका एक शेर है कि क्या जुल्म है कि दौर लोहारों का है लेकिन हर दूसरी खातून में आयरन की कमी है की आमद हुई इब्रार भाई अर्ज किया है मज्जा मर गई कट्टे रह गए बर्फा वेगी फटे रह गए मज्जा मर गई कट्टे रह गए बर्फा वेगी फटे रह गए महंगाई ने सानू इंज ना डंगिया बच्चे साढ़े वटे रह गए बच्चे साढ़े वटे रह गए कुर्ते विक गए कच्छे रह गए हनीफ साहब आपको वो कोई खास ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि रमजान में टॉलरेंस लेवल जीरो होने पर आपको किन खतूत पर चलना चाहिए बताया तो जाता है इब्रार भाई लेकिन साड़ी अपनी ही इतनी मतवाजी जाती है कि सारा कुछ भूल जाने हैं हाँ वैसे एक तरह से तो आप भी तो इंसान ही हैं बिल्कुल एक तरह से वाह इब्रार साहब आम आदमी इशारे पे 60 सेकंड खड़े होके इतना तप जाता है हमने तो फिर 8 घंटे खड़े होना होता है गर्मी में शोर में भाई इसका मतलब ये है कि आप लोगों से झगड़ना शुरू कर दें ये तो आपकी ड्यूटी है ना इस काम के पैसे मिलते हैं आपको इब्रार साहब आखिरकार हम भी इंसान हैं किसी बंदे से हम कागज मांगे वो आगे से जेब में से कार्ड निकाल के हमारे अफसरों के दिखाने लग जाए किसी अफसर से फोन पे बात करके हमने फोन पकड़ा दे तो हमें गुस्सा नहीं आ सकता यार बात तो आपकी भी ठीक है लेकिन मैं अपने नाजरीन से भी ये दरखास्त करूंगा कि ये हमारे भाई इस जानलेवा गर्मी में रोजे की हालत में ड्यूटी कर रहे होते हैं इनका ख्याल रखा करें और इनके साथ हर मुमकिन तावुन किया करें एविडेंस दे पै जांदे ना क्या मतलब मेरे कहने का मतलब है किसी टाइम बंदे को नहीं भी कागज होंगे हाँ। जान देन करन तेरे को कागज नहीं होंगे नहीं सारा दिन तू कागज चुकना हले भी तेरे को नहीं होंगे इतना ज्यादा फ्रेंक नहीं होना मैं तेन दस दें मैं पैसे नहीं देने मेरे ना तमीज ना मेरी कैंची के थले बैठा तू की समय तू मैं टक लाएगा मजबूर ना कर मैनू मजबूर ना कर भाई ओ भाई क्या कर रहे हो यार कोई खुदा का खौफ है तुम लोगों में इब्रार भाई बिला वजह गुस्सा कर रहा है गुस्सा क्यों ना करूं इब्रार साहब गुस्सा क्यों ना करूं बैठे बैठाए मुझे चंगड़ बना दिया इसने चलो आपको सूट भी तो किया ना और बिल्कुल झूठ नहीं लगा शुक्र कर मैं तेरी कटिंग कर रहा एडे लम्बे वालों मैं कभी हाथ भी नहीं लाया जेडे एडे वाल ने कैंचियां कूंचियां ना नहीं कटे जाने और एडे वास्ते लम्बे लम्बे झाड़ू लिया अरे इतने खूबसूरत प्यारे बाल है माशाल्लाह कैसे धोते हैं गर्म उस्तरे ना वैसे तुसी चाह नाल ब्लेड खाया करो आपे ही चढ़ जाएंगे वैसे तुहानू वाल कटण दा नहीं कहना चाहिए तुहानू ये कहना चाहिए यार मेरे चरीटा पा दे यार यार जिस बात पे आप लोग झगड़ा कर रहे थे वो कुछ झगड़े वाली बात थी नहीं वैसे मैंने कटिंग इसी से करवानी है और अच्छे बाल कटवाने हैं और मैं काट रहा हूं मैं कब तुम्हें मना कर रहा हूं कि तुम ना काटो ओ बंदे को बुतवान छोड़ छोड़ दे इनके बाल अच्छे से काटना यहां से कलमा बड़ियां तो नहीं रखनियां मियां एक कलम रख दो और साथ एक तख्ती रख दो उसके ऊपर आखिरी आराम का लिख यार हम बात कर रहे थे सब्र तहम्मुल की तो रमजानुल मुबारक के तकद्दुस का इतना ख्याल रखना चाहिए कि अगर किसी के मुंह से कोई बात निकल भी गई है तो दूसरे बंदे को दरगुजर कर देना चाहिए ये सोचना चाहिए कि हो सकता है कि रोजे की हालत में प्यास और गर्मी से तंग आके या शायद किसी अपनी मुश्किल की वजह से तंग आके इस तरह रिएक्ट कर रहा है तो माफ करना चाहिए क्यों डॉक्टर साहब अब्रार साहब होता यह है कि इंसान बुर्दबारी का दामन छोड़कर मामलात को अना का मसला बना लेता है जब अना का मसला बन जाता है तो छोटे छोटे झगड़े बड़ी बड़ी दुश्मनियों में बदल जाते हैं यानी अगर सिर्फ एक कमजोर लम्हे पर गिरफ्त पाली जाए तो इंसान पुरसकून जिंदगी गुजार सकता है यार जल्दी कटिंग कर दो मैंने इफ्तारी का सामान लेकर घर जाना बहुत अच्छे तुमने तो सामान लेकर घर पहुंचना है ना मैंने जाके इफ्तारी का तमाम करना है और खाना भी बनाना है ओ बाजी शोर क्यों कर रही है आप पहले आ जाती पहले बच्चे के बाल कटवा लेती ओ हेलो जो बात करनी है मुझसे करो ओ बेटा पहले बड़े तो हो लो चल भाई तू बह के इंतजार कर वड्डा होके हुण ही आंदा है जदों उन्हें वड्डा होके आना इन्हें लड़न जोगा रहना ही नहीं वड्डे होए ही तो मैं कटवाण आया फिर तू कहेगा कि मेरी चिट्टी दाढ़ी का लिहाज नहीं किया उसकी तो दाढ़ी है ही नहीं जेड़े बाल कटाउंदे ओ कदों है ने
आधी नजर आती यहाँ पे वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वापसी पे आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अगर इंसान से कोई भूल चूक हो जाए, कोई गलती सरजद हो जाए, तो माफी मांग लेने से उसकी अना को ठेस नहीं पहुंचती। इंसान को वक्ती तौर पे ऐसा लगता है जैसे ऐसा करने से शायद उसकी शान में कमी आ जाती है या उसे शिकस्त हो गई है, लेकिन यकीन माने ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि कुछ वक्त के बाद इंसान खुद को बहुत हल्का महसूस करता है और दूसरे शख्स की नजर में उसकी इज्जत बढ़ जाती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। माफी मांगनी हो या देनी हो, इसमें जरा भी देर नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ताला माफ करने वाले को बेहद पसंद करता है। लेकिन होता क्या है, हम छोटी छोटी बातों को अना का मसला बना लेते हैं और मामलात शिद्दत इख्तियार करते हुए झगड़े की सूरत में बदल जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल। और रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना लामहदूद रहमतों और बरकतों के साथ हमें यही दर्स देने के लिए आया। बेशक यार, इनकी बातें सुन के मुझे याद आ गया, भाजी कोई गलती होगी हो तो मुझे माफ कर देना। माफ कर दी है मैंने, लेकिन एक गल याद रखी, उस्तरे थले बह के तो नाई नाल वैर नहीं पाईदा। ओ भाई साहब, जरा माफ कीजिएगा मुझे भी, मैं भी गुस्से में जरा जज्बाती हो गई थी। आई एम सॉरी, अब मेरे बेटे की भी कटिंग कर दीजिए। अबरार साहब, मेरे नाल बंदा बिठाओ, मैं माफी मांगनी है। यार भांजे, क्या बात है मियां, अगर कोई गलती हो गई हो तो मांग लो माफी। डॉक्टर साहब, तुसी भी कमाल कर दे, वो जुड़े हथां अर्गा उहदा मूंह ते होर किन्नी माफी मंगे। नाले तुहाडे कोल इह ताकत दा टीका ते मंग सकदा, माफी नहीं मंग सकदा। तू भी मैनू माफ कर दे, मैं किहो किहो जे बंदियां दी तेरे नाल कटिंग करदा रहा। माफी मांगनी चाहिए जवाब साहब। अरे नहीं नहीं नहीं, चलो ठीक है। नहीं मतलब ये है कि मैं भी दिल ही दिल में आपको बुरा भला कहता रहूं, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तो आपको दिल में बुरा नहीं कहा, मैंने तो मुंह पे कहा है। तुसी माफी ना मंगो, मेरी जायची दे मुताबक तुसी हाले कई सालों तक एक दूजे नु बुरा भला कहने। मैं कहा भाई जी, जायचे बना बना के ना तुहाडा मुंह भी फाल कढ़न वाली उंगल अरगा हो गया। इन्हें फाल कढ़न वाला तोता रखे सी। अच्छा, उन्हें कहना फाल कट, उन्हें पहले गाल कटी बाद फाल कटी। यार भाई, मैंने तोता रखा था। मैंने एक दिन कहा, अरे मेरे प्यारे मियां मिठू, कोई फाल तो निकालो। वो सखावत की चिड़ी लेके निकल गया। इसलिए इब्रार भाई, मैं आज तक कह रहा कि चिड़ी बेचारी की करे ते ठंडा पानी पी मरे। लो जी इब्रार साहब, आज मैंने आप लोगों से बहुत कुछ सीख लिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं क्या सीखा? बस बाय द वे, यही के नेरी च सिगरेट किवें लाई दा। क्या फजूल बात किया, चलो कुछ सीखा तो सही ना। जी रूबा जी, हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए चुन चुन के मजेदार वीडियोस लाई हूँ जो यकीनन आपको पसंद आएंगी। नौकर खेलते हुए आपने बहुत से लोगों को तो देखा ही होगा, और कुछ लोग तो इस गेम में इतने एक्सपर्ट होते हैं कि देखने वाला दंग रह जाता है। लेकिन जैसा स्नोकर प्लेयर आपको इस वीडियो में मैं दिखाने जा रही हूँ, यकीनन वैसा आपने देखा तो क्या कभी सोचा भी नहीं होगा। आए देखते हैं। अरे आप सही दे रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कुछ इतनी अच्छी स्नूकर खेल रहा है और ना जाने क्या क्या करता होगा। अगला बच्चों को स्कूल भी छोड़ के आता है। भाणजे नहीं जाता रहा। जेड़ा स्नूकर जो खेल लेंदा वो वाशिंग मशीन भी जरूर ला लेंदा होया। जी रूबा, व्हाट इज नेक्स्ट? जी, आपने कुत्ते को स्नोकर के बॉल पॉट करते तो देख ही लिया, अब मैं आपको एक और जानवर दिखाऊंगी जो आपको और ज्यादा चौंका देगा। ऐजे फरमा बरदार बांदरी अजिना वसना होवे।
ते तू भाभी ने लड़दा नहीं बस जिन्ना ने दिती है वो ही नहीं शर्म कर दे लो जी बड़ी मेहनती है जी खवातीन है जड़ी पूरे महल्ले दे कपड़े कल्ली धोंदी नहीं जी माशाल्लाह आपने अपना नाम बीच में से निकाल ही लिया ओदा बंदा किन्नी मुशक्कत करांदा उन्हें आके भांजे नु ये नहीं किया कि अबू मैं नहीं उत्थे बसना हां ओए उठ के जा तेरी घर वाली काम करन दी आप कटिंग करवाना आया तू ओए की करन दे दिमाग ठीक ही भैन जी जान दे तुहाडी नौ को चला अच्छा हैं ओए नौ को चला बदतमीजा पहले सौरे नु सलाम कर हां कर मैं घर जो आई हां वाह जी वाह वैसे अगर इनू ट्रेन कीता जावे ते ट्रैफिक दा निजाम भी संभाल सकदी मेरा ख्याल है तुहाडे नाल ओ अच्छा संभाल लेगी हां ते बोनट ते चढ़ के चलान करेगी ओ मैं तैनू सही कहया सी ना सौरे नू सलाम कर मैं कहा तुसी बरादरी च ब्याह करदे उसका हुआ है अंकल ओ सौरा नहीं वाल वेख सस सीगी ए मैं भी सुनया मैं तेरे वाल कट दित्ते नहीं इस तो छोटे मैं नहीं कर सकता अच्छा ये बात तो हो गई ये बड़ा कैसे हो सकता है ये माँ पे उन्हें चाहिए थे पैरों से खाद पाउन नाजरीन हंसने मुस्कुराने का ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा रमजान उल मुबारक के बाद बरकत महीने में मेरी आपसे दरखास्त है कि सब्र का दामन ना छोड़ें इसके फ्यूज़ो बरकत से पूरा पूरा फायदा उठाएं तहम्मुल और बुर्दबारी इंशाल्लाह हमारे अमाल को मजीद बेहतरी की तरफ लेकर जाएगी प्रोग्राम का वक्त जहाँ पे खत्म होता है जाने से पहले मैं आपको एक नात शरीफ सुना कर इजाजत लूंगा अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज मौला या सल्ला।
ये बिजली जहां जाती है ना इनू व्याह दे, नहीं तो नक बढ़ा देगी साडा। इसको कहीं और व्याह दे, आप नेरे में बैठे रहे हैं। वेलकम वेलकम फ्रॉम बैगर एसोसिएशन खुशराइजन। ओह थैंक यू मिस्टर डोनाल्ड डक। दुध सोडा है पीने ही रमजान दे, रमजान है ना, कितों याद आना तेरे तो शनाख्ती कार्ड ते वल्द दुध सोडा लिखे।